Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well and study very very hard. As you all know that हम लोगों ने केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है. First chapter has already been uploaded on our YouTube channel, that's Nimbus Defence Academy, that's Atomic Structure, जिसके near about 5 parts हैं जो कि उसमें अपलोड हुए हैं. आप उसको भी अच्छे से दे सकते हैं. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मैंने स्टार्ट किया था, उसका भी फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे. अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है एंड यू आर डायरेक्टली कमिंग टू दिस वीडियो, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल फर्स्ट मूव टू दैट वीडियो फर्स्ट. क्या पहले वो वाली वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, माई सेल्फ प्रिया शुक्ला, आई वेलकम यू ऑल टू निम्बस डिफेंस अकेडमी. एंड यू ऑल नो दैट अबाउट माई सेल्फ. Without wasting time, we can move to the other slide. Yes, you can join to our YouTube channel, that's Nimbus Defence Academy, and you can also join to our Telegram channel, that's Nimbus Defence Academy, if you want some notes, assignment tests, and so many videos of other subjects also. आज हम लोगों को सेकेंड पार्ट स्टार्ट करना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का. अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं फर्स्ट पार्ट के बारे में, तो हमने फर्स्ट पार्ट में सारा हिस्ट्री किया था कि पीरियोडिक टेबल क्यों आई, कैसे आई, कौन सबसे पहले साइंटिस्ट थे, एंटनी लेवेसियर थे, उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आए, उसके बाद डॉबिनियर ट्राइड्स आए, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आए, उसके बाद लॉथर मेयर भी आए और मेंडलीव्स भी आए. अगर आपको इनको जानना है तो यू कैन वॉच द फर्स्ट वीडियो फर्स्ट. ठीक है, हमने मेंडलीव पे छोड़ दिया था और मेंडलीव की कुछ लिमिटेशंस थी जिसको ओवरऑल किया नेक्स्ट हमारे लॉ ने, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और जो कि साइंटिस्ट थे हमारे मोजले, मोजले ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि ओवरकम किया था जो लिमिटेशंस थी मेंडलीव की. तो एक बार हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि क्या मेंडलीव की लिमिटेशन थी. जो लिमिटेशन है आपकी मेंडलीव की, पहली बार कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी पहली बार टेबल की फॉर्म में आया था, दैट इज द प्लस पॉइंट. उन्होंने कुछ गैप्स छोड़े थे जिनको हमने बाद में नाम भी दिया था, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकन, एका बोरोन, एका मॉलिब्डेनम, जिसके लिए मैंने टिक भी बताई थी, आलू गालू सीता गीता बीएससी एमटेक, है ना, कि बाद में उनको किसने रिप्लेस किया. दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. बट अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी क्योंकि उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी ना वो पूरी की पूरी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग थी, तो उसकी वजह से आइसोटोप्स को वो पोजीशन नहीं मिल पा रही थी. क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो अगर मास नंबर डिफरेंट है तो हर मास के अकॉर्डिंग भी तो हाइड्रोजन को 3 प्लेस मिलना चाहिए, कार्बन को 3 प्लेस मिलना चाहिए, मतलब हर आइसोटोप को अपनी जगह मिलनी चाहिए, जो कि नहीं थी. सेकेंड, उन्होंने कोबाल्ट और निकल में, कोबाल्ट का मास ज्यादा था पर कोबाल्ट को पहले रखा फिर निकल को रखा. तो दीज आर द सम लिमिटेशंस जो कि ओवरकम की गई हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जो थे मोजले. मोजले ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इन 1930. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विद दिस वन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वॉज गिवन बाय मोजले. मोजले ने इनको दिया था इन 1930. शोड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल क्वांटिटी. इस पे डायरेक्ट कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा फंडामेंटल है फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, या पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम किसको टिक लगाएंगे, एटॉमिक नंबर को. इन्होंने सिर्फ एक लाइन दी थी जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ. मेंडलीव की जब हमने डेफिनेशन की थी तो हमने ये कहा था, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. यहां पर उन्होंने बस थोड़ा सा चेंज किया. इन्होंने कहा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, द फिजिकल, ये आपका ना सीधा स्टेटमेंट है. अगर मान लो कोई 11th क्लास का स्टूडेंट ये वाली वीडियो देख रहा है तो आपको अगर आ जाता है डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो आपको यही स्टेटमेंट करेक्ट लिखनी है. अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो आपको एटॉमिक नंबर के ऊपर फोकस करना है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, आर एलिमेंट आर एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर.
of their atomic number. कि इन्होंने कहा कि जो हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर. उनकी जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक. मतलब जो एलिमेंट्स आपके मेंडलीव ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किए थे, मोजले ने वही एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए. तो दैट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मोजले. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. आपको सामने ये स्टेटमेंट भी लिखी है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर. पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है? एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी जो है वो अपने आप को रिपीट करती है. जैसे एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम पहले सेंटर में होता है, वो एक बार इधर जाता है, फिर एक बिल्कुल पर्टिकुलर सेकंड के बाद सेंटर में आता है, फिर वो इधर जाता है, फिर वो पर्टिकुलर सेकंड में. इसी तरह जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी ही जगह पे वापस आती, फिर से रिपीट होती है, वहां पे हम वही एलिमेंट फिट कर देते हैं जो ऊपर वाले एलिमेंट से मैच किया था. और ये सब किसके अकॉर्डिंग है? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है. व्हेन द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, द ऑब्टेन्ड टेबल इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जब इनके अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज किया गया तो उस टेबल का नाम रख दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू ऑल. तो मेन तो यही है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया? हेनरी मोजले ने दिया. कब दिया? 1913 में दिया. और मेन इनकी जो टेबल थी किस बेसिस पे थी? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे थी. द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आवर एलिमेंट आर रेगुलर इंटरवल ऑफ देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. सिर्फ ये लाइन को हमें याद रखना है, और स्पेशली ये याद करना है क्योंकि क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे थी? एटॉमिक मास के बेसिस पे थी. और हमारी मोजले की जो पीरियोडिक टेबल है वो किस बेसिस पे है? वो हमारी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है. तो हमें इन दो बातों का खास ध्यान रखना है इस वाली स्लाइड में. बाकी का सारा का पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है. अब मैंने आपके सामने मेन टेबल खोल दिया, दैट इज आवर मेन पीरियोडिक टेबल जो कि हम लोग पढ़ते हैं और जो हमें बहुत फ्लो में आनी चाहिए. देखो, केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो केमिस्ट्री के उन बेसिक एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको इनके बारे में पता ही नहीं है ना, आप केमिस्ट्री कितनी भी पढ़ लोगे, आप सिर्फ उसको रट्टा मार सकते हो, उसको समझ नहीं सकते. और मेरे हिसाब से जब आप कॉन्सेप्चुअली किसी चीज को समझते हो तो आपके लिए नंबर्स लेने भी आसान हो जाते हैं, और आपकी जिंदगी भी आगे भी लाइफ टाइम में आपको ये चीजें हमेशा याद रहती हैं. तो आज की क्लास में हमारा मेन टारगेट है इस पूरी पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद करना, कि हम इसे किस ट्रिक्स और ट्रिक्स के थ्रू कैसे बताएंगे कि मेटलॉइड्स, जैसे ये हमारे ये हमारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है. अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ पहले पीरियोडिक टेबल के बाद, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को खुद ड्रॉ करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कौन कौन सी ट्रिक्स हैं इनको याद करने के लिए. देखो, अगर आप लोग, मैं ये जिनको सर्कल कर रही हूँ, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं. वी हैव अ 7 मेटलॉइड्स, ठीक है. बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. 7 मेटलॉइड्स है. इसकी भी ट्रिक है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, क्या है? तेरे गीत सबसे बासी पुराने और आसान. तो इट्स वेरी इजी, मैं आपको बता दूंगी इसे कैसे याद करना है. देखो, ये वाले जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ पर टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं पीरियड्स के. हमारी, अब मैं वैसे ना थोड़ा बेसिक से समझा देती हूँ, देन मैं आपको बताऊंगी कि इनको कैसे याद करना है. पहले बेसिक सा पीरियोडिक टेबल देख लो. ये जो होते हैं, जो ये दोनों ग्रुप हैं, इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट. पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं. नंबर 1 एस ब्लॉक, ये हो गया हमारा एस ब्लॉक, ठीक है. ये हो गया हमारा डी ब्लॉक, जो ये 3 से लेके 12 तक है. ये हमारा सारा का सारा क्या है? ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. इसके बाद अगर मैं 13 से लेके 18 तक की बात करूं तो ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है. और जो नीचे ये दिखाई दे रहे हैं ये दोनों, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है. दिस इज योर एफ ब्लॉक एलिमेंट. अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां से आया? एक्चुअली हुआ क्या, मेंडलीव्स अपनी टेबल बना चुके थे, मोजले भी अपनी टेबल बना चुके थे, पर कुछ थोड़े दिनों बाद, जो कि आज भी हमें पता है, वी हैव टोटल 118 एलिमेंट्स विद अस, जो कि सबसे लास्ट एलिमेंट है 118, जिसे ओगेंसन कहते हैं, ठीक है. आज तक भी एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर हो रहे हैं. अगर हम इनको वैसे फिट करते, क्योंकि जो ये एलिमेंट्स आने वाले थे ना, वो यहाँ पे आ रहे थे. यहाँ पे आता है आपका लेंथेनम और यहाँ पे होता है आपका एक्टिनियम, ठीक है. ये दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट है. अगर मैं यहाँ फिट करती तो मेरे ये वाले एलिमेंट सारे शिफ्ट हो जाते, पूरी पीरियोडिक टेबल शिफ्ट करनी पड़ती. तो साइंटिस्ट ने उसको अवॉइड करने की जगह क्या किया, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स थे इसी के अंदर आने थे लेंथनम के,
जो लेंथनम के अंदर आ रहे थे उन्हें नाम दिए लेंथनाइट्स। 14 एलिमेंट्स है वो जो कि लेंथनम के अंदर आ रहे थे, वो ये है लेंथनम, सीरियम, प्रेसोडियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम, सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये पूरे के पूरे यहाँ आते तो पीरियोडिक टेबल हिल जाती, तो साइंटिस्ट ने क्या किया इनको नीचे लिख दिया। इसी तरह एक्टिनियम के नीचे जो आ रहे थे उनको यहाँ लिख दिया। जो एक्टिनियम के नीचे आ रहे थे उन्हें बोलते हैं हम एक्टिनाइट्स, क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट्स। और जो लेंथनम के नीचे आते हैं उन्हें बोलते हैं लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स भी बोलते हैं। तो ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो टोटल कितने ब्लॉक्स है हमारे पास, 4 ब्लॉक है एस पी टी एफ। जो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स होते हैं, ये भी आपके सारे के सारे मेटल्स होते हैं, पर इनका नाम होता है ट्रांजिशन मेटल्स। इनका क्या नाम होता है, ट्रांजिशन मेटल्स। और ये वाले सारे के सारे मेटलॉइड्स हो गए, तो ये भी आपके जितने भी हैं ये सब क्या है, दीज ऑल आर मेटल्स, जिसमें से एल्यूमिनियम और गैलियम एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक कौन होते हैं, जिनके अंदर बोथ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी मेटालिक मेटलॉइड्स तो मेटलॉइड्स हो गए, इनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती है। Al2O3 और Ga2O3 और इवन ZnO का भी कैसा नेचर होता है एम्फोटेरिक, मैं अभी लिखवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद ये वाले जो आप सारे देख रहे हो यहां से लेके यहां तक है, ये जो शेप बनी हुई है ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। यहाँ पर ये सारे मेटल्स हैं, इनमें सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। जो नीचे वाली सीरीज जो ये आपको ग्रे कलर की दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव है, काफी हैवी एलिमेंट्स हैं, हमें इनको याद करने की जरूरत है। हमें सिर्फ ये पूरा ब्लॉक और ये पूरा ब्लॉक अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस बार का अगर आप CDS का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सीधा सिंबल से क्वेश्चन आए हुए थे कि आप ये बता दो गोल्ड एंटीमनी का सिंबल क्या होता है। तो जिसको टेबल अच्छे से आती थी उसे पता था गोल्ड का जो है सिंबल क्या होता है, AU होता है, ठीक है। एंटीमनी का SB और टिन में से था SN होता है। तो जिसको भी आता था वो लेड भी था, लेड का होता है PB। तो जिसको टेबल अच्छे से आती है तो उसको उसके लिए क्वेश्चन 1 सेकंड का क्वेश्चन था। तो इसलिए इस टेबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो होप आपने देख लिया, दिस इज योर एस ब्लॉक, दिस इज योर डी ब्लॉक जिसको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ये पी ब्लॉक होता है, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ये लेंथेनाइट्स हो गया और ये हमारा एक्टिनाइट्स हो गया। अब इस टेबल को कैसे याद करें, इन एलिमेंट्स को हम लोग कैसे याद करें, अब हमने उस चीज के ऊपर चलना है। तो अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ कि हमें कैसे याद करना है। उसके लिए आप मेरे साथ साथ ये टेबल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब खुद ड्रॉ करेंगे तभी याद होगा। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं, हमारी टेबल को शुरू करते हैं। देखो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है बनाना, ठीक है। थोड़ा छोटा गैप छोड़ना, क्योंकि हमें सिर्फ एलिमेंट्स के नाम ही लिखने हैं, तो हम बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक बार ये टेढ़ा हो गया, मेरे को दिख नहीं रहा था, फिर से बना लेती हूँ मैं एक बार। ओके, ये आपको हॉरिजॉन्टली नोटबुक को रख के बनाना है। जैसे आप हॉरिजॉन्टली नोटबुक को रखेंगे देन यू हैव टू ड्रॉ 1, 2, 3 ब्लॉक्स के बाद आप ये लंबा इसको खींच लेंगे, ठीक है। बस यहां तक रखेंगे, फिर 2 ब्लॉक्स तक ऊपर जाएंगे जो यहां तक है, इसको आप पूरा लेके जाएंगे, यहाँ एक ऊपर लेंगे और इसको जो है फिर इसको ज्वाइन करेंगे कैसे, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें 7 पीरियड्स बनाने होते हैं। तो ये हम पूरा का पूरा इसको बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो कैसे बनाना है, पहले थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, 1 ब्लॉक देन 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स के बाद एक लंबी सी लाइन जाएगी। टोटल हमें कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, 7, वी हैव टू ड्रॉ 7 पीरियड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, हमारे पास 7 पीरियड्स होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम कितनी लाइंस लगाएंगे, नियर अबाउट 9 लाइंस बनाएंगे, 10 ब्लॉक्स बनाएंगे, डब्बे 10 होने चाहिए, तो हम डब्बे याद कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 10 आपके यहाँ पे बन गए। यहाँ पर हमारे को 13 से शुरू करना है, 13, 14, 15, 16 एंड 17, और एक यहाँ,
दो हो गए और ये बन गया यहां। तो इस तरीके से हमारा बनेगा, ये 10 ब्लॉक्स होंगे, 10 डब्बे होंगे, और ये अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमारे 6 होंगे। तो हमारे टोटल पीरियड्स, पीरियड्स किसे कहते हैं, जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल रोज जा रही हैं, ऐसी लेटी हुई लाइंस जा रही है, उन्हें पीरियड्स बोलते हैं। तो वी हैव टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रो, वी हैव टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज, हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और इनको हम बोलते हैं पीरियड्स, इन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं हमारे पास होते थे टोटल 18, देखो इनको बोलते हैं ग्रुप। तो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से यहां से शुरू हो जाता है, 13 14 15 16 17 and 18। तो टोटल वी हैव 18 ग्रुप्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स वी हैव, तो वी हैव 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, ठीक है। अब हम, आप मेरे साथ साथ ट्रिक्स लिखते जाएंगे, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। ह ली ना की रब से फरियाद, ह ली ना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम फ्रेंशियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम फ्रेंशियम, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारा क्या होते हैं, दे आर आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो ये पहला ग्रुप होता है इसको हम अलग नाम भी देते हैं, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ये कैसे याद करेंगे, ह ली ना की रब से फरियाद, ह ली आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं बहुत आराम से बोल रही हूं, ह ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे बरेलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम। आपको सबके नाम पता होने चाहिए, अगर आपको नहीं पता है आप यहाँ इसके नीचे भी लिख सकते हो, आप थोड़ा सा बीच में लिखो और यहाँ पे नाम लिखते रहो, बरेलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ये दोनों हो गए, इसे ग्रुप वन कहते हैं, इसे हम ग्रुप टू कहते हैं, इसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसके बाद आते हैं हम हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, ये है हमारे सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। सबके मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी कि इनको क्यों ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स कर लेते हैं, इसको हमें कैसे करना है, स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकले कॉपर जिंक, स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकले कॉपर जिंक, स्कूल टीचर स्कैंडियम टाइटेनियम वेरी क्रूअल वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज मांगे फेयर कॉपी मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ठीक है। स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकले कॉपर जिंक स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ये कैसे। अब इसके बाद हमें जितने करने हैं हमें ऐसे ऐसे याद करने हैं, शायला टी जरा हाफ, आप लोग अपने नोट्स में शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स लिखते जाएंगे, क्या मैंने बोला, शायला ऐसे लिख लो बस शायला, ठीक है। ये क्या हो गया, एस सी वाई एल ए, तो ये क्या हो गया शायला, टी जरा हाफ देना, मुझे ना आधी चाय आधी कप चाय पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे, टी जरा हाफ देना। आप लोगों ने डोरेमोन का चैनल देखा होगा, डोरेमोन के उसमें नोबिता होता है, ठीक है, तो हम ये क्या बोलेंगे, बी नोबिता, बी नोबिता क्रोमो वॉच मन्नत रे फेरू
अस, कैसे है ये? फे रूप अस, मन्नत रे, कौन रहेगा आइलैंड में? कौन रहेगा आइलैंड में? नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, भाई अगर नहीं पढ़ोगे तो पिटी जाओगे ना, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। कौन आगे आओगा? AGAU, कौन आगे आओगे? कौन आगे? मैं तो ऐसे याद कर लेती हूँ, कॉपर। AGAU बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्मी कनाडा होगा, जिम्मी कनाडा होगा। तो एक बार मैं फिर से, आप लोग आराम से लिख लीजिए, ठीक है। स्कूल टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकले कॉपर जिंक। इसके बाद हमने ऐसे ऐसे याद करना है, शायला टी जरा हाफ देना, बी नोबिता, क्रोमो वॉच, मन्नत रे, फेरुअस, कौन रहेगा आइलैंड में, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कौन आगे आएगा, जिम्मी कनाडा होगा। आप इसको, मैं वैसे बता दूं आपको, इतना ज्यादा नाम तो देखो देखना पड़ेगा, वो आप पीरियोडिक टेबल है, आप लिख सकते हो। जैसे ये लेंथनम है, ये हाफनियम है, ये टेंटलम है, ये टंगस्टन है। अब जैसे मैं जिनके ऊपर टिक लगा रही हूँ ना, वहां से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आया टंगस्टन से, कई बार आ चुका है। ऑस्मियम पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अच्छा ये अच्छा जी होगा, दिस इज योर मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। तो कोई कोई चीजें तो बिल्कुल वैसे ही याद होनी चाहिए। अब इसी बार के पेपर में इन्हीं दोनों में से आ गया था, गोल्ड शायद आया था, तो AU होता है उसका, है ना, सिल्वर आ गया, AG हो गया। प्लेटिनम, प्लेटिनम से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ये एलिमेंट्स जब आपने देख रखे होंगे तभी आप इनके बारे में कुछ बता सकोगे, ठीक है। तो स्कूल टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकले कॉपर जिंक, ठीक है। इट्रियम, जिकोनियम, नियोमियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टिशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लैटिनम, सिल्वर एंड कैडमियम। इसके बाद लैंथनम, हॉफनियम, टेंटलियम, टंगस्टन, रेहिनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत खुद करनी है। मेरे हिसाब से मुझे ट्रिक से याद होता है, मैंने तो ऐसे ऐसे चर्जी से ट्रिक कर रखी। अब आपको क्यों याद होना चाहिए, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि टंगस्टन किसके नीचे होता है, तो क्रोमियम के नीचे होता है। एटॉमिक नंबर आपसे पूछ लेंगे, मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप किसी का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। क्रोमो वॉच, मन्नत रे, फेरुअस, कौन रहेगा एलन में, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो इस तरीके से आप ये याद कर लेंगे। अब आते हैं हम अपने पी ब्लॉक एलिमेंट पे। पी ब्लॉक एलिमेंट 13 से 18 तक होता है। इसको याद करने का तरीका है ब कनॉफ। सबसे पहले तो ये लाइन आनी चाहिए कि कौन कौन सी फैमिली आने वाली है। 13 को बोरोन फैमिली कहते हैं, 14 को कार्बन फैमिली कहते हैं, 15 को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, 16 को ऑक्सीजन एंड 17 को हैलोजन्स। इनको हम हैलोजन्स कहते हैं। कैसे याद किया मैंने इसे? ब क नौ, ये तो एक ही सत है, क नौ नौ क एन ओ नो फ ब कनॉफ। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है इनर्ट गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन एंड ऑगेंसन। इसे कैसे याद करना है? हीना, नीना और करीना। क्या बोला मैंने? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ऑगेंसन। ऑगेंसन हमारा 118th एलिमेंट्स है जो इस समय पे डिस्कवर हुआ है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। 13 कैसे याद करेंगे? बैगन, आलू, गाजर एंड थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैगन, आलू, गाजर एंड थैला। कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा? कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ना पी ऐसे सबके बीच क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। इस बार के पेपर में यही से आया था, टिन या लेड में से था। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। ना पी ऐसे सबके बीच। ओ स्टाइल से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। ओ स्टाइल से टेपो, बिल्कुल जो लाइन में बोल रही हूँ ना उसी से सिंबल क्रिएट हो रहा है।
ओ स्टाइल से टेपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन एटी। तो ये आ जाइए कैसे है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये हो गए हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आपने ट्रिक्स लिख ली होंगी, बैगन आलू गाजर इन थैला, कौन सी गीता स्नेहा और प्रभा, ना पी ऐसे सबके बीच, ओ स्टाइल से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना का और करीना का एक्सरे रंगी। अब इनके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके नाम ऐसा ऐसा क्यों पड़ा भाई, किसी को हम डी ब्लॉक किए। तो मैंने चलो आपको, आप लोगों को अगर जिन्होंने मेरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो उन्हें पता है कि जो हमने एस ब्लॉक को, हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, हम एस ब्लॉक को एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में आता है। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल में आता है तो उसे डी ब्लॉक कहते हैं। इफ द लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी तो उन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और अगर एफ में आता है तो उसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट पेज खोलूंगी तो मैं एफ कराती हूँ। ठीक है, मेन कि ग्रुप वन को हम अल्कली मेटल्स ही क्यों कहते हैं, क्यों बोलते हैं हम उनको अल्कली मेटल्स। तो लिखेंगे द बेसिस ऑफ दीज एलिमेंट्स आर सोल्यूबल इन वॉटर, the bases of these metals are soluble in water। और जो bases जो पानी में soluble होते हैं, water में soluble होते हैं, उन्हें हम अल्कली कहते हैं, और जो water में soluble नहीं होते उन्हें हम base कहते हैं, से base ही कहते हैं। तो ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्युबल हो जाए उन्हें अल्कलीज कहते हैं। तो इनके जो भी, इन मेटल्स के जितने भी बेसिस है ना वो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम है अल्कली मेटल्स। द बेसिस ऑफ दीज मेटल्स आर सॉल्युबल इन वॉटर सो दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, इनके भी जो बेसिस होते हैं पानी में सॉल्युबल होते हैं, पर ये अर्थ क्रस्ट में भी मिलते हैं। कहां मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, इस पूरे ग्रुप को, और ये वाले एलिमेंट्स हमें याद नहीं करने, नीचे वाले तो हमें इसका स्ट्रेस नहीं लेना। इन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, हम कहते हैं कि एलिमेंट्स विद डी हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब कि विद नॉट फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, मतलब जिनके पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो, मतलब एक, देखो हमारे को पता है डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं डी ऑर्बिटल जिनकी फुली फिल्ड नहीं है, मतलब डी में चाहे 9 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। एलिमेंट्स विच हैव Not fully filled d orbitals, मतलब d पूरी फिल नहीं होनी चाहिए, कुछ सारे इलेक्ट्रॉन्स, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पर 10 नहीं होनी चाहिए। अगर 10 हो गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा। तो एलिमेंट्स विच हैव d इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट आर नॉट फुली फिल्ड आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके हिसाब से जो जिंक कैडमियम Mg, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में करके आए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हमें पता है जिंक क्या होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, ये होता है आर्गन 3d10 4s2। इनका d ऑर्बिटल पूरा फुल्ली फिल्ड होता है। कॉपर का भी होता है, कॉपर का होता है 3d9 4s2। एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है तो ये हो जाता है 3d10 4s1, क्योंकि यहाँ एक्साइटेशन से इलेक्ट्रॉन गया है तो हम उस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते। तो यहां पर क्योंकि d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो गया, फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए, तो इन पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्वेश्चन आ गया कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एग्जांपल दे दो, तो आप क्या बताओगे, जिंक कैडमियम एचजी। ठीक है, अब इसके बाद यहां आते कि इनको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, पी ब्लॉक में आ गया, तो इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। इसे बोलते बोरोन फैमिली, इसे बोलते कार्बन, इसे नाइट्रोजन, इसे ऑक्सीजन, इसे फ्लोरीन, मतलब हैलोजन्स बोलते हैं, इन्हें इनर्ट। ऐसा क्यों बोला जाता है, जो हमारी नाइट्रोजन फैमिली है
नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस भी कहा जाता है. क्या बोला जाता है? निकोजेंस. निकोजेंस क्यों कहा जाता है? लिखेंगे पॉइजनस गैसेस. द फैमिली विच प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस, द फैमिली विच प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस जो प्रोड्यूस करे पॉइजनस गैसेस लाइक NH3 एंड PH3, अमोनिया और फॉस्जीन, लाइक अमोनिया एंड फॉस्जीन. तो इसलिए इनका नाम रखा गया निकोजेंस, मतलब पॉइजनस फॉर्मिंग फैमिली. किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली को. ऑक्सीजन को बोलते हैं चैल्कोजेंस. क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस. चैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर मेकिंग फैमिली. क्या बोला जाता है इनको? ओर्स. आपको पता है दो चीजें होती है, एक मिनरल होता है, एक ओर होता है. जब कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली अर्थ क्रस्ट से निकलता है उसे बोलते हैं, मतलब जो मेटल अगर डायरेक्टली अर्थ क्रस्ट से निकलता है तो उसे मिनरल बोलते हैं. अगर किसी रॉक के अंदर से आप किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसे ओर बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? ओर. तो मैक्सिमम जितने भी ओर्स के फॉर्मूले अगर आप देखोगे तो उसमें ऑक्सीजन फैमिली का बड़ा रोल है. वहां पे ऑक्सीजन आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, सल्फर मिलेगा, सेलेनियम देखने को मिलेगा. तो इसलिए इनका नाम रखा गया चैल्कोजेंस. इन वाले पूरे ग्रुप को बोलते हैं हैलोजेंस. क्या बोलते हैं? हैलोजेंस. क्यों बोला जाता है? हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट मेकिंग फैमिली. क्या बोलते हैं? सॉल्ट मेकिंग फैमिली. ऐसी फैमिली जो किसी के साथ लग जाए और सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं. आप बड़े ध्यान से देखो, हमारा जो कॉमन सॉल्ट है वो होता है NaCl. क्या होता है? NaCl होता है. NaCl. ये हैलोजन लग गया. NaF इज अ सॉल्ट. आप कुछ और लगा लो जैसे KCl. KCl इज अ सॉल्ट. तो ऐसी फैमिली जो किसी भी एलिमेंट के साथ लग जाए और सॉल्ट की फॉर्मेशन कर दे तो उनको बोलते हैं हम सॉल्ट मेकिंग फैमिली. तो इनको हम हैलोजन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर सॉल्ट मेकिंग फैमिली. इसके बाद आती है, ये है हमारा सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप. इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, नॉबल गैसेस और जीरो ग्रुप. अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करती हूँ सो दैट मैं कुछ लिख पाऊँ. यहाँ पे इतना सा हम इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे. हाँ जी, तो ये जो लास्ट वाली फैमिली है, लास्ट वाली फैमिली को हम तीन चार नामों से जानते हैं. इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस और जीरो ग्रुप. आप सबको पता है इनर्ट का मतलब क्या होता है? जो किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहती. हमें पता है हीलियम, नियॉन, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अगर मैं नियॉन की बात करूं, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, 2.8. हमें पता है कि लुईस ने ऑक्टेट रूल दिया था. उन्होंने कहा था हमारी जो वैलेंस शेल है ना उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने बहुत जरूरी है. अगर इलेक्ट्रॉन 8 आ गए तो मतलब आपका ऑक्टेट पूरा हो गया और आप एक स्टेबल एलिमेंट हो. तो इनके जो इन सभी के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं. आर्गन 18, 2.8.8, 8 to 10 or 10, 8, 18. तो इन सबके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं. हमें पता है एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? टू हैव द कंप्लीट ऑक्टेट एंड हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, वो खुद स्टेबल हो जाए. भाई हमारे को गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? ताकि हम लोग सिक्योर जॉब हो जाए. तो इन सबको क्या चाहिए होता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. इन सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, दे आर सिक्योर्ड. तो वाई दे विल रिएक्ट, वाई दे विल फॉर्म बॉन्ड. सो दीज आर कॉल्ड इनर्ट एंड द नॉबल गैसेस. नॉबल बच्चे वो होते हैं ना जो किसी से रिएक्ट नहीं करते. तो दे आर लाइक दिस ओनली. तो दे आर इनर्ट, दे आर नोबल. वाई दे आर कॉल्ड जीरो ग्रुप? इनको जीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन ना लेना चाहते ना देना चाहते. तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई? वैलेंसी क्या होती है कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं या देने हैं ताकि आप स्टेबल हो जाओ. तो इनको तो कुछ लेना देना नहीं है, तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई? जीरो. इसलिए इनको बोला जाता है जीरो ग्रुप. तो बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हमें बिल्कुल बेसिक पता होनी चाहिए कि दिस इज कॉल्ड इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप. दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस, दीज आर कॉल्ड चैल्कोजेंस, दीज आर कॉल्ड निकोजेंस, दीज आर कार्बन फैमिली. ठीक है,
तो ट्रेंड्स हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हमें इसे याद करना है कि हमें एक एक एलिमेंट पता हो कि आर्सेनिक कहाँ आता है, एंटीमनी कहाँ आता है, बिस्मुथ कहाँ आता है, ये आज की वीडियो में हमें ये पूरा का पूरा याद करना है। तो आप ये लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हो, बीच में भी अगर आपने ले ली होगी तो अच्छी बात है। अब मैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे ही इसमें मूव करूंगी, मैं इसको प्लस कर दूंगी। एंड अब हम करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट देखो बहुत आसान है, बट सिंबल्स तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं आप अच्छा अगर मैं एक बार इफ आई कुड यस थैंक गॉड। हाँ, अगर इस पे मैं एक और क्वेश्चन बताऊं ना, ये नोबल है, बट इसमें दो तीन क्वेश्चन ये आते हैं कि कौन सा ऐसा इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, जो कि अभी भी मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है। आपने कहा बॉन्ड नहीं बनाता तो कंपाउंड भी नहीं बनाएगा, फिर भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज जीनोन। जीनोन आपके पूरे पीरियोडिक टेबल मतलब इनर्ट गैसेस का वो एलिमेंट है इनर्ट का जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। सेकेंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनर्ट गैस है जो कि एटमोसफेयर में नहीं मिलता, योर आंसर शुड बी रेडॉन। क्यों? रेडॉन जो है वो रेडियम की रेडियो एक्टिविटी से मिलता है। किससे मिलता है? रेडियम की रेडियो एक्टिविटी से। इट इज फॉर्म फ्रॉम रेडियम की रेडियो एक्टिविटी से हमें कौन मिलता है? रेडॉन जो है वो हमको मिलता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हम लोग अब एफ ब्लॉक एलिमेंट बनाने जा रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हमें इस तरीके से ही ड्रॉ करना है, हम इस तरीके से करेंगे। हमें 14 एलिमेंट्स डालने हैं। मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा सा बनाएंगे, क्योंकि वी हैव 14 एलिमेंट्स विद अस, हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये देखो हम लिखते एल ए और ए सी से हैं, पर ये दोनों डी ब्लॉक ही होते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला याद करेंगे, मैं पहले लिख रही हूं फिर आपको बताऊंगी मैं क्या है। एक थोड़ा पहलवान उनसे निपटेंगे, एक लाइन है, एक थोड़ा पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे कैलिफोर्निया में आइंस्टीन एंड फर्मी मेड नोबल लॉस रदरफोर्डियम। ये हमारा खत्म हो गया एक्टिनाइट्स। ये सारे कौन से हो गए हमारे? एक्टिनाइट्स। क्या है? एक थोड़ा पहलवान, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि यहां से क्या आया था। पहले एक लाइन है, एक थोड़ा पहलवान उनसे निपटेंगे, ये एक लाइन हो गई। पुराने आम कम बिकेंगे। नेक्स्ट है, आइंस्टीन एंड फर्मी मेड नोबल लॉस है, पर ये LR है, इसे बोलते हैं लॉरेंशियम। इसे क्या बोलते हैं? लॉरेंशियम। ठीक है, तो आप यहां से ट्रिक लिख सकते हैं, एक थोड़ा पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन एंड फर्मी मेड नोबल लॉस रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम याद करने की जरूरत है, मेरी आदत पड़ी हुई है। तो एक्टिनाइट्स के बाद जो शुरू होते हैं, अच्छा ये TH आ गया, हाँ थोरियम। ठीक है, तो थोरियम से शुरू होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 90 और एंड हम जाते हैं 103 पे। तो पहला क्वेश्चन, एक्टिनाइट्स कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं? ये 90 से शुरू होते हैं, 103 पे खत्म होते हैं। लॉरेंशियम का सिंबल क्या है? LR है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं इसको हटाने जा रही हूं। ठीक है, आप लोगों ने हटा ही दिया होगा, तो अब मैं इसको एक बार हटाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं, ट्रांस यूरेनिक का मतलब होता है आफ्टर यूरेनियम, बियॉन्ड
आफ्टर और बियॉन्ड यूरेनियम कौन कौन से एलिमेंट्स है? तो दिस इज योर यूरेनियम, तो इनके बाद के जितने एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो क्वेश्चन देखो क्या आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। नंबर वन ऑप्शन इज नेपच्यूनियम, टू इज थोरियम, सी इज बोथ थोरियम एंड नेपच्यूनियम, डी नन ऑफ द अबव। दिस इज कॉल्ड नेपच्यूनियम। तो क्या आंसर लगाना था? ओनली नेपच्यूनियम, क्योंकि थोरियम तो उससे पहले आ रहा है। आफ्टर यूरेनियम वाले क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो ये तीन चार क्वेश्चंस आपके यहां से आते हैं। अब आते हैं लेंथनर, इनको बोलते हैं एक्टिनाइट्स। क्या बोलते हैं हम इनको? एक्टिनाइट्स। इन्हें बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स, लेंथेनाइट्स, लेंथेनॉइड्स। आफ्टर लेंथेनम, आफ्टर एक्टिनियम, ला सिर पर नदपम, समझा यू, समझा यू, गातब दिया, गातब दिया, हो इशारा तम यब लूने। बहुत आसान है, ला सिर पर नदपम, ला सिर पर नदपम। अगर मैं लिखवा दूं आपको ये, तो ये कैसे है? ला सिर पर नदपम, नदपम, समझा यू। बहुत सारी निमोनिक्स हैं आपको जो आती है वो कर लीजिए। मेरे को इसलिए है क्योंकि ये सिंबल्स इसके जो है वो मुझे सारे अच्छे से आते हैं। समझा यू, गातब दिया, गातब दिया, हो इशारा, हो इशारा, तम यम लूने, तम यब, यब लूने, तब यब लूने। ठीक है, दिस इज योर लुटेचियम। तो ये लोग 58 से शुरू होते हैं और 71 पे जाकर रुकते हैं। दिस इज योर लुटेचियम इज 71। तो एक क्वेश्चन आता है कि लेंथेनाइट्स कहां से शुरू होते हैं, कहां खत्म होते हैं? इट स्टार्ट्स विद सीरियम, इट एंड्स विद लुटेचियम। और सीरियम का सिंबल क्या है? सीई है। आपका लुटेचियम का सिंबल क्या है? एलयू है। डेंडोलियम का सिंबल क्या है? जीडी है। समैरियम का क्या है? SM है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लेंथनाइट से आते हैं। तो दिस इज योर एब्लॉक एलिमेंट। तो हमें सिर्फ सिंबल्स पता होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए एलिमेंट्स के, जिसकी वजह से आई एम टेलिंग यू कि तो पीरियोडिक टेबल पढ़ो, क्योंकि आप आगे आओगे ना आपको ये एलिमेंट्स कई कई बार देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये लर्न होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिए रोज। जैसे आज एस ब्लॉक का टारगेट बना लिया, आज पी ब्लॉक के दो एलिमेंट्स याद कर लिए, ग्रुप 13, 14 याद कर लिया, 15, 16, थोड़ा थोड़ा करोगे ना पीरियोडिक टेबल बहुत आसान। और अब यू हैव सो मेनी टाइम विद यू, अभी आपके पास 6 महीना पूरा है, आराम से करो ना यार, सुकून से पढ़ाई करो। तो क्यों नहीं याद कर सकते? केमिस्ट्री में अगर आप प्रॉपर केमिस्ट्री, प्रॉपर बायो पढ़ लोगे ना, आप 16 क्वेश्चंस मैं गारंटी दे रही हूँ आप आराम से कर लो। तो बहुत सुकून से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाइए, आप आराम से 8 क्वेश्चंस केमिस्ट्री और बायो पे कर लोगे। तो अब हम लोग अपनी रिटर्न करते हैं अपनी वाली वीडियो पे, इसको मैं एग्जिट करती हूँ और जो है हम लोग इस पे चलते हैं। तो ये सारा मैंने आज आपको याद करा दिया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि कैसे आप, मान लो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर इज 87, फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर, सॉरी, फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर इज 87, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट कि फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर 87 हम कितने सेकंड्स में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिक ट्रिक कि आप कैसे याद कर लोगे कि कैसे आपको ये निकालना है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग ये बात करें तो इसके लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ कि मेटलॉइड्स, वी हैव टोटल 7 मेटलॉइड्स। इसके लिए ट्रिक है तेरे गीत सबसे बासी पुराने और आसान, तेरे गीत सबसे बासी पुराने और आसान, तेरे गीत सबसे बासी पुराने और आसान, टेलुरियम, जर्मेनियम, एंटीमिनी, बोरोन, सिलिकन, पोलोनियम एंड आर्सेनिक। देखो, टेलुरियम, जर्मेनियम, एंटीमिनी, बोरोन, सिलिकन, पोलोनियम, आर्सेनिक। आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के 7 मेटलॉइड्स आते हैं
और इस एक सिंपल से लाइन से आप सारे मेटलॉइड्स को याद कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है एनडीए में कि इनमें से कौन सा मेटलॉइड है। तो अगर आपको ये लिख लोगे 2 मिनट में तो आप बता दोगे कौन सा वाला है, वैसे लर्न करोगे तो भूल ही जाओगे। तेरे ही सबसे बासी पुराने और आसान। तो ये हमारी टेबल होगी, जो कुछ होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं ऑगेंसन के बारे में। ऑगेंसन हमारा लेटेस्ट जो है एलिमेंटेड एलिमेंट है, 118 इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एज द लास्ट इलेक्ट्रो एंटर्स इन डी ऑर्बिटल, सॉरी द पी, पी में लास्ट आता है, तो इसलिए हम लोग इसको जो है ग्रुप 18 में इंक्लूड करते हैं। पीरियड नंबर 7 होता है, अपीयरेंस मेटालिक एंड सॉलिड होता है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। व्हाट आर द मेन फीचर्स? देखो दिस टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 ग्रुप्स हैं नोन एज ग्रुप एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज अ पीरियड्स। अ फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप आर एज फॉलोज, द ग्रुप्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। एक ग्रुप के फर्दर सब ग्रुप्स नहीं थे जो कि मेंडेलीव में थे, एक ग्रुप के भी फर्दर सब ग्रुप थे 1A 2A ऐसे करके, तो वो डिफिकल्टी नहीं है। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर लिथियम की पूरी फैमिली है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी कि पूरा मान लो अल्कली मेटल है, हर लीना की रब से फरियाद, अगर लिथियम के एटॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो पूरे ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। नेक्स्ट वाले के 2 है तो पूरे के 2 होंगे, बोरोन के 3 है तो पूरे के 3 होंगे। द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन लोगे कि दोगे, तो ऑब्वियस है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी भी 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी अलोंग द ग्रुप सेम रहती है। द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, ये सारी चीजें ना और डिटेल में आपको नेक्स्ट में पता चलेगा, क्योंकि हम ना नेक्स्ट में ट्रेंड्स करेंगे कि शेल कैसे इंक्रीज करें, तो ये हम थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। बस ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिक टेबल पढ़ना इसलिए आसान हो गया क्योंकि आपका अगर एक ग्रुप है जैसे हर लीना की रब से हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम, अगर आप इनको स्टडी कर रहे हो तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वैलेंसी जो है सेम होती है, तो एक को पढ़ोगे सारों को पढ़ लेते हो आप बहुत इजी। द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी इन अ ग्रुप वेरी ग्रेजुअली, थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है, क्यों, क्योंकि मास डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी वॉल्यूम, वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे मास बढ़ रहा है, तो मास बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। तो दीज आर द थिंग्स जो कि इनकी पीरियोडिक टेबल में था। एंड द सब और इन द पीरियड की क्या बातें थी, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ, ये सब हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट ऑन लूमिंग फ्रॉम, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ही सही से समझ में आएगा। आज की वीडियो में अगर मैं ये सब मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आप थोड़ा बहुत लूंगी इन सब चीजों को थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हम थोड़ा सा मैं इसको इन स्लाइड्स को उसमें भी ऐड कर दूंगी क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी बन चुकी है, इट्स ऑफ 47 मिनट्स ऑलरेडी। तो एम पॉइंट्स को लेते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ट्रेंड्स कि कैसे, मतलब इनको इकट्ठा नहीं लिखेंगे, पॉइंट्स को अलग अलग करके लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम इधर जा रहे हैं तो साइज जो है कम होता है, ऊपर से नीचे आते हैं साइज घट जाता है, कैसे वैलेंसीज ऊपर नीचे सेम होती है इधर आके डिफरेंट हो जाती है, तो इन सब पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, अपनी इस पीरियोडिक टेबल को याद करो, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस के साथ और ट्रेंड्स के साथ आप लोगों को मिलता है। दिस इज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।